आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूँ आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा अपने शहर और आसपास के जनजीवन को सतत सेवा कार्यों से बेहतर बनाने के लिए संकल्प सहित नवगठित रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो का प्रथम अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार रात ताज रोड स्थित होटल क्लार्क सिराज में मनाया गया। समारोह में सत्र 2021-2022 के लिए डॉक्टर आरके सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को सचिव, पीडी शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इनके साथ ही इनकी टीम में शामिल क्लब ट्रेनर राणा एसके सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर एसपी पांडे, कार्यकारी सचिव यतेश कुमार सिंह, सार्जेंट एट आर्म्स मुकेश सक्सेना, क्लब एडिटर डॉक्टर सुगंध चतुर्वेदी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कार्यभार ग्रहण कराया गया। ये बने डायरेक्टर्स। समारोह में राजू सी डेनियल कम्युनिटी सर्विस, कविता शर्मा इंटरनेशनल सर्विस, स्वाति चतुर्वेदी यूथ सर्विस, मनोज बजाज क्लब सर्विस कमेटी, डॉक्टर दिग्विजेंद्र सिंह वोकेशनल सर्विस, डॉक्टर पंकज नगायच मेंबरशिप कमेटी, अरुण कुमार सिंह पब्लिक इमेज कमेटी, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव एनवायरमेंट कमेटी, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सैनिटेशन कमेटी, अंजू डेनियल लिटरेसी कमेटी, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ग्रीटिंग कमेटी, रवि भार्गव प्रोग्राम अटेंडेंस, डॉक्टर पूजा नगायच महिला व बाल कल्याण और डॉक्टर रोहित जैन पोलियो कमेटी के डायरेक्टर चुने गए। पहनाई रोटरी की पिन। समारोह के दौरान क्लब में आधा दर्जन से अधिक नए सदस्य भी शामिल हुए। उनको रोटरी की पिन पहनाकर टीम में शामिल किया गया। अब वह इस पिन को पहनकर ही क्लब के हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। नियो ने बनाया रोटरैक्ट। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में लीडरशिप एवं चैरिटी की भावना विकसित करने का प्रशिक्षण देने वाला रोटरैक्ट क्लब गठित किया गया। इस रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो स्पॉन्सर करेगा। सेवा के लिए संकल्पित समारोह में रोटरी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच ने इस मौके पर कहा कि हम जनसेवा के लिए संकल्पित हैं। स्कूल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सहित जनहित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जनसेवा के कार्य सतत जारी रहेंगे। संस्थापक को किया नमन। समारोह के मुख्य अतिथि एमडीएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डीसी शुक्ला और विशिष्ट अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शरद चंदा ने रोटरी इंटरनेशनल के संस्थापक पाल हैरिस की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया और इससे पूर्व भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। रोटरियन शरद चंद्रा का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। समारोह का संचालन तनुश्री पांडे और हर्षास नगायच ने किया। समारोह में डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और डॉक्टर विनोद माहेश्वरी भी उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मैं शरद चंद्र हूँ। मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी इंटरनेशनल का। 2015-16 में मैं गवर्नर था। क्या प्रोग्राम क्या बताएं? ये प्रोग्राम, ये एक नया क्लब फॉर्म हुआ है, रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो। और इस क्लब में बहुत ही शिक्षित और बड़े जाने माने लोग आगरा शहर के मेंबर हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षाविद, सभी तरह के लोग हैं, बिजनेसमैन। और रोटरी क्लब जो है वो विश्व के 200 देशों में है और हमारे 1.2 मिलियन 12 लाख सदस्य वर्ल्ड में हैं। और हिंदुस्तान में हमारे करीब करीब 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक ये डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 4,500 मेंबर हैं। मैं डॉक्टर पंकज नगायच, पास प्रेसिडेंट रोटरी। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो, एक नए क्लब का सृजन हुआ है, तो उसका अधिष्ठापन समारोह है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी पूरी की जो पूरी जो बोर्ड की टीम है, लगभग 24 लोग हैं। अधिष्ठापन हो रहा है। इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रीमान शुक्ला जी, दिनेश चंद शुक्ला जी अतिथि हैं। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज पास्ट प्रेसिडेंट शरद चंद्रा जी हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस कार्यक्रम में,
कि आज सभी मेंबर्स को एक शपथ रूपी एक कार्यक्रम होता है ये, जिसमें कि रोटरी के सिद्धांत, रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स, रोटरी के बारे में बताया जाता है और हर मेंबर को आज रोटरी में आया हुआ सम्मानित महसूस करता है और सेवा भाव पे आज से चल पड़ता है।